शहजादी की वफात के 500 साल के बाद इंडिया में आगरा में शहजादी देख रहे हैं और उनको पता है कि चौथा मिस्र इनको भूल गया है, वहां से आते हैं, आकर मदद करते हैं। और जब नबी के गुलामों की ये शान है, मेरे नबी की कितनी शान है। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरा नाम सादी शराजी है और मैं यहाँ का एक मशहूर शायर था। बोस्तान और गिस्तान मेरी बहुत मशहूर किताबें हैं। तातारियों की तबाहकारियों से बचने के लिए मैंने दूसरे इलाकों का रुख किया। दमिश्क के करीब मुझे ईसाई फौजियों ने प्रोटेक्ट कैद कर दिया, जहाँ मैं 7 साल तक बासियत गुलाम कैद रहा और खंदकें खोता रहा। फिर मम्मी ने मुझे जजिया देकर चढ़ाया। मेरे बच्चों, अगर मैं गैर में किसी को सुनकर इसकी भूल की दुरुस्ती के लिए बकल खुद आ सकता था, तो क्या मैं बगदाद को तातारियों के जुल्म से नहीं बचा सकता था? अगर मेरे पास कोई ऐसी गैबी ताकत होती तो मैं 7 साल कैद में क्यों रहता? अगर ये ताकत बढ़ने के बाद आती है तो फिर मैं मुसलमानों को तारीखी में ज्यादा कैसे देखता रहा? मेरे बच्चों, मेरी किताबें भी कुरान सुन्नत की तौहीद का पैगाम देती है और मैं भी यही कहूंगा कि मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, उसी से मांगो। अल्लाह जिसका भला चाहे तो अल्लाह के फजल को कोई नहीं रोक सकता। जज़ाकअल्लाह।